प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि OMR एंसर शीट कैसे भरे और OMR एंसर शीट भरने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अब की बार हो क्या रहा है, जबकि 2023 का जो पेपर बनेगा आप सभी का टोटली चेंज हो गया है। और अब की बार बोर्ड का पेपर जो है उसमें 20 MCQ पूछे जाएंगे और उन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आप सभी को OMR शीट पर हल करना है, OMR शीट पर भरना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सबसे पहले आप सभी को OMR भरना है, उसके बाद पेपर को हल करने के बाद OMR में कौन सा आंसर किस तरीके से फिलअप करना है, वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ में प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, आपको अभी भर के दिखाऊंगा, ताकि आप सभी को प्यारे बच्चों को पता चल जाएगा कि OMR शीट में कौन कौन सी चीज़ें भरनी है और कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ भरना है, और OMR शीट भरते समय आप सभी को कौन कौन सी वो मेजर गलतियाँ नहीं करना है, जिससे एग्जामिनर आपके यहाँ पे आंसर शीट को रद्द कर सकता है, आपके यहाँ पे 20 नंबर को निगलेक्ट कर सकता है। तो आज का हमारा वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं OMR शीट भरने का सही तरीका क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों को सेम टू सेम इसी तरीके का OMR आंसर शीट मिलेगा, और बोर्ड के पेपर जब आप दोगे तो इसी तरीके का OMR शीट मिलेगा। और उस बोर्ड के पेपर में सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे देखो एक एक सेक्शन बताऊंगा, ध्यान समझना, एक भी सेक्शन को मिस मत करना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक ना। आइए सबसे पहले यहाँ पे जो पहला सेक्शन है, यहाँ पे समझ सकते हो लिखा गया है कि नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि देखो इस ये जो यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, सबसे पहला सेक्शन यही है, आपका अपना नाम लिखना है। और नाम किस तरीके से लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। किस तरीके से, इंग्लिश में। ये जो सेक्शन है अपना, इसमें नाम लिखना है। जैसे मान लो अगर मैं इसको भर कर भी दिखाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे देखो सेकंड सेक्शन एंसर सीट नंबर, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे पेपर का कोड है वो यहाँ पे एंसर सीट, यहाँ पे नंबर भर दोगे जो आपका पेपर का कोड है, ठीक ना, उत्तर पत्रक संख्या। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि आपका एग्जाम का डेट क्या है, यानी कि परीक्षा की तिथि क्या है, सब कुछ भर कर अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक ना। उसके बाद जो चौथा यहाँ पे सेक्शन है, इसको आप सभी को नहीं भरना है, ठीक ना, इसको छोड़ देना है, ठीक ना। अगला जो यहाँ पे सेक्शन है, पाँचवा नंबर सेक्शन, कि नेम एंड सील ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी कि परीक्षा का केंद्र का नाम और सील, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे करना क्या, आप सभी को पांचवा सेक्शन में जो भी आप सभी के एग्जाम का सेंटर है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका नाम तो पेपर पर लिखा होगा, किस दिन आपका पेपर है वो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, साथ में आपके सभी के एडमिट कार्ड पर परीक्षा का केंद्र में लिखा गया होगा, वो सेम टू सेम परीक्षा का सेंटर जो भी आपका पड़ा होगा, उस सेंटर किसमें अपना नाम लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद जो छठा यहाँ पे सेक्शन है, इसको समझते हैं कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि कैंडिडेट्स सिग्नेचर, आप सभी के यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, जो भी अपना यहाँ पे सिग्नेचर करते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि जो भी आपका निरीक्षक कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, ठीक ना, जो भी परीक्षक हैं वो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आठवां यहाँ पे सेक्शन में भरना है आपका कम्युनिटी, यानी कि आप किस कास्ट के हो, SC हो कि ST हो कि OBC हो कि अनरिजर्व हो, यानी कि मतलब कि जनरल हो। तो जो भी आपका सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन को सबसे पहले यहाँ पे लिखना है और इस गोला को क्या कर देना है, भर देना है, ठीक ना, गोला कर देना है। उसके बाद जो नौवां सेक्शन है, इसको ध्यान समझना, अगर ये गलती कर दोगे तो बोर्ड का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, एक भी मतलब कि आपका नंबर नहीं मिलेगा OMR में। यहाँ पे देखो बोला गया है कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यानी कि जो इसका कोड है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके यहाँ पे ध्यान से समझना है कि रोल नंबर, आपका रोल नंबर कभी भी गलती नहीं भरना चाहिए, अपना रोल नंबर एक बार अपने एडमिट कार्ड से मिला करके यहाँ पर रोल नंबर भरना है, ठीक ना। इतना भरने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज भर देना है कि लैंग्वेज आपका हिंदी है कि इंग्लिश है। जब आप सभी इतना भर लेते हो, इतना भरने के बाद आप सभी क्या करोगे, अब क्वेश्चन करोगे, और क्वेश्चन के यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे हुआ था 1945 में। इसका ऑप्शन नंबर पहला का असत्य हो गया, तो अ वाले ऑप्शन के यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पे देखो इसको समझा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो
पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन के चार यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही था? अ वाला। तो अ वाले को क्या करना है? गोला करना है। अब चलिए मैं आप सभी को भर के दिखाता हूँ कि किस तरीके से अब हम OMR को फिलअप करेंगे। तो ध्यान समझना, OMR शीट भरने का सही तरीका है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो अब की बार 2023 का पेपर चेंज हुआ है ये उसी के लिए बताया जा रहा है, ठीक ना। तो जो भी क्लास 10th में बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक ना। आइए सबसे पहले करेंगे क्या, आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है। क्या भरना है? अपना नाम। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा नाम है अरुण कुमार यादव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में अरुण, ए, ठीक, ध्यान समझना, आर यू एन। अब देखो अरुण तो हो गया, अरुण के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कुमार नहीं लिखना है, एक स्पेस यहाँ पे छोड़ना है, एक खाना को छोड़ देना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे कुमार, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? कुमार, के यू एम ए आर, कुमार हो गया। अब यादव के लिए भी स्पेस चाहिए, यहाँ पे यादव के लिए स्पेस लगा के लिख दो वाई ए डी ए भी। ये देखो अपना मैंने नाम यहाँ पे भर दिया, अरुण कुमार यादव। तो जो भी आपका अपना एडमिट कार्ड का नाम होगा सेम टू सेम यही भरिएगा, ठीक ना, ए टू जेड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो उत्तर पत्रक संख्या, तो उत्तर पत्रक संख्या जैसे मान लो यहाँ पे आपका एंसर शीट का कोड है यहाँ पे 932, यहाँ पे आराम से 932 भर दो। क्या भर दो? 932। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे देखो परीक्षा का डेट, जैसे मान लो यहाँ पे आज का जो तारीख है, जैसे मान लो आज 10 तारीख है, जैसे मान लो 10 तारीख आपका पेपर पड़ेगा, 10 तारीख मार्च में आप सभी का पेपर पड़ेगा, तो 10-3 भर दो, ठीक। उसके बाद 2023 भर दो। क्या भर दो? 2023। इतना भरने के बाद नाम हो गया, एंसर शीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, परीक्षा का तिथि भी हो गया। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप परीक्षा का नाम लिखोगे, केंद्र का नाम, इस सेंटर का नाम क्या होगा। इससे मान लो यहाँ पे मैं अपना कॉलेज का नाम भर दे रहा हूँ, रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया। रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया। इतना हो गया। इतना भरने के बाद अब परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, अब जो भी आप अपना हस्ताक्षर करते हैं यहाँ पे कर देना। देखो यहाँ पे सेंटर का नाम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जामिनर का परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे लिख दो अपना, जो भी यहाँ पे हस्ताक्षर करते हो अपना यहाँ पे अपने भाषा में यहाँ पे कर देना, ठीक। इस तरीके से हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पे देखो अब करेंगे क्या, इसको इस वाले सेक्शन को आपको नहीं भरना है, इस वाले सेक्शन को छोड़ देना है। अब यहाँ पे कम्युनिटी भर दोगे, कम्युनिटी में जैसे मान लो यहाँ पे मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, तो मैं OBC वाले सेक्शन को यहाँ पे क्या करूँगा, फिलअप कर दूँगा। आराम से गोला करना है, सबसे पहले आपको ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे लिख दोगे OBC, ठीक। इतना भरने के बाद अब देखो क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे कुछ भी भर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी दिया रहेगा, ठीक ना, 732 850, यहाँ पे लिख दो 732, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दो 732 850, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, सात वाले गोला करोगे। देखो इसमें भी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या सात वाले गोला करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक, सात वाले गोला कर दिया। अब तीन को, सामने वाले को तीन है तो तीन वाले गोला करेंगे, ठीक। उसके बाद दो वाले को दो को गोला कर देंगे, ठीक। उसके बाद आठ, आठ नीचे है तो आठ को गोला कर देंगे, ये क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है। उसके बाद पाँच को हम गोला करेंगे और जस्ट हम क्या करेंगे, जीरो को गोला कर देंगे, यहाँ पे जीरो को गोला कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया। अब इसके बाद आप सभी के यहाँ पर रोल नंबर, इसे मान लो 2772 कुछ भी आपका अगर रोल नंबर है, इसे मान लो यहाँ पे है 33 10 810, ये रोल नंबर है, सात नंबर का रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे कैसे भरोगे, सबसे पहले 33 भर दोगे, गोला करना है, ठीक ना, गोला ध्यान से करना है, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ पे वन को गोला करेंगे, ठीक, यहाँ पे फिर जीरो को करेंगे, ध्यान समझो, ठीक ना। अभी और बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। आठ को यहाँ पे करना है, उसके बाद एक को कर लेना यहाँ पे, एक को करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो को गोला। इतना अब देखो हमारा हो गया, नाम हो गया, एंसर शीट हो गया, डेट हो गया,
एग्जाम का सेंटर का भी नाम हो गया, साक्षर भी हो गया, ओबीसी भी हो गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन प्लेट नंबर भी डाल दिया, रोल नंबर भी डाल दिया। अब यहाँ पे हम करें क्या, एक सेक्शन और को हम भर देंगे यहाँ पे, हिंदी या इंग्लिश। तो हमारा अगर हिंदी है तो हिंदी को पे हम यहाँ पे गोला कर देंगे, तो हमारा हिंदी वाला सेक्शन है हिंदी को। अब इतना भरने के बाद आपका काम हो गया, अब आपको इस पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हम करें क्या, अब इसका आंसर बताएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1945 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सत्य है, तो पहला वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसी को हम क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। चलो इसको भी समझा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर पहला दिया है और इसमें बीसी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप सभी को, क्या बीसी क्वेश्चन, और इसका पहला ऑप्शन असत्य है, इससे अ वाले क्या करेंगे, सत्य को यहाँ पे गोला कर देंगे। आराम से गोला करना है, ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, रेड पेन का यूज नहीं करना है। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, तो ये है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर द यानी कि डी सत्य है। तो डी वाले ऑप्शन को सत्य करेंगे, यहाँ पे गोला करेंगे, डी को हमने कर दिया, बहुत बढ़िया से करेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये क्वेश्चन किसका कथन है, स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ब सत्य है, तो ब वाले को हम क्लिक करेंगे, तीसरे का वाले टिक कर दो, गोला कर दो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्या करेंगे, गोला करते जाएंगे और 20 टोटल एमसीक्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पे टोटल हल कर देंगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक ना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप अपनी तैयारी को अगर बेहतर बनाना चाहते हो, क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, तो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड संबंधित हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और डेफिनेटली बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर कराने के लिए यहाँ पर आपके सपने पूरे किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।